यो व्हाट्सअप, क्या हाल है भाई। स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा सही होने वाली है, क्योंकि वो वीडियो आ रही है सीधे सीधे बादशाह की तरफ से। बादशाह ने अनिल सिंह के बारे में कुछ बोला है, वो सब बातें करने से पहले भाई एक भाई का सॉन्ग प्रमोट करने जा रहा हूँ मैं, है ना। ये वीडियो से शुरू करते हैं, क्योंकि भाई का आया था। भाई प्लीज़ सपोर्ट हमें भी करो भाई। ऑब्वियस सी बात है यार, अब रैपरों का हम कवर कर रहा हूँ मैं रैपरों को, तो भाई ऑब्वियस सी बात है तुम भी उभरते सितारे हो, है ना। भाई का नाम है विशाल थापा, ए के ए किंग कोबरा। भाई का गाना है एक भोलेनाथ 2, भाई वो देखो एक गाना। एक बार थोड़ी सी मैं क्लिप डाल रहा हूँ, चेक करो। शिव के हाथ में डमरू, वो डम डम करता जाए, अरे भांग रगड़ के गोरा, भोले को भांग पिलाए। चेक किया भाई, भाई के चैनल पे जाओ भाई, जितने भी हमारे मेरे भाई लोग हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, भाई के चैनल पे थोड़ा सा प्यार दिखाओ भाई, सपोर्ट करो भाई को भी। बहुत प्यारा गाना है ना। और भाई वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसको, और ब्लॉगिंग चैनल का भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ये नीचे नाम आ रहा होगा, है ना। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई बादशाह ने ना अनिल सिंह के बारे में कुछ बोल दिया, मतलब इस बार थोड़ा अलग वे में बोला। पहले है ना, ये पुरानी क्लिप चेक करो, मैं पुरानी डालता हूँ, रिलेटेबल होगी थोड़ी, है ना। पहले ये क्लिप चेक करो, ये देखो। देख ली भाई। और अब भाई, अब जो बादशाह ने बोला है वो चेक करो, हनी सिंह के बारे में कितनी सही चीज बोली, ये देखो। मेरी लाइफ का एक फेज था जहां पे मैंने ना बहुत एक इंसान के साथ ग्रज रखी अभी तक, बट आई वांट टू लीव इट बिहाइंड, एंड दैट्स हनी सिंह। Because of whatever reasons, कुछ misunderstandings थी, लेकिन मुझे realize हो गया कि जब हम दोनों इकट्ठे थे ना, जोड़ने वाले बहुत कम थे, तोड़ने वाले बहुत मिले, लड़ाने वाले बहुत कम मिले। So today I just want to let you all know that I have left that phase behind. देखा भाई, भाई मतलब मैं, मेरे को सच्ची में ऐसा लग रहा है कि मतलब दोनों आ जाएंगे तो मजा ही आएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है यार। बंदे तोड़ने पे लगे हुए हैं कि ये करो वो करो, नहीं बादशाह ऐसा बादशाह ऐसा, चलो ठीक है कंपटीशन में बोल दिया। अनिल सिंह भी तो बोलता है यार बादशाह के बारे में, अनिल सिंह ने भी तो बोला था ना, नैनो वैनो की बात हुई थी जब नैनो की गाड़ी से कंपेयर किया था बादशाह को, तो जिसको याद नहीं है एक बार ये भी देख लो, ये लो। हनी, व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक यू आर किंग, बट आपके एब्सेंस में बीच में बादशाह हैज टेकन ओवर, तो क्या कह सकते हैं, यू टेक, यू लुक एट, लेट्स लिसन टू द रैप, हाउ डू यू लुक एट इट, वन लास्ट रैप वी विल डू। रोल्स रॉयस चलाई है आपने कभी? तभी रोल्स रॉयस और नैनो में बहुत फर्क होता है, रोल्स रॉयस और नैनो में बहुत फर्क होता है, समझ रहे हो। तो मतलब चीजें दोनों तरफ से हो, कंपटीशन में होती रहती है, मजाक मस्ती होती रहती है, चलो ठीक है वो अपने उसमें है, क्योंकि दोनों दोस्त भी थे एक टाइम पे, है ना। तो अब बादशाह ने ये सब बोला तो भाई बहुत प्यारी चीज बोली है ना, मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ, मतलब ठीक है अच्छा, अगर दोनों साथ में आए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब हेड वेड मत फैलाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर दोनों ही बड़े आर्टिस्ट हैं, तुमसे तो बड़े ही है भाई, मुझसे ही बड़े, सबसे ही बड़े हैं ना, मतलब जो ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पर लिख रहे हैं कि बादशाह ने कर दिया वो कर दिया, भाई तुमसे तो बड़ा ही है, तुमसे ज्यादा ही कमाता है भाई वो, समझ रहे हो, तुमसे ज्यादा ही नाम होगा उसका, तो इसलिए हेटरेट मत फैलाओ भाई, और प्यार बांटो बस। हनी सिंह के फैन भाई कमेंट बॉक्स में एक बार हनी सिंह के लिए तुम आग का इमोजी छोड़ दो, बादशाह के फैन कमेंट बॉक्स में एक बार दिल का इमोजी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कमेंट बॉक्स में रहो, क्या दिक्कत है ना। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस, जय हिंद।